सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 20 नवंबर को संत फेलिक्स ऑफ वेलोइस का पर्व मनाती है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। अपनी जवानी में उन्होंने अपना सब कुछ गरीबों में बांट दिया और एक जंगल में सन्यासी के समान जीवन गुजारने लगे। जब वे 71 वर्ष के हुए तब संत जॉन ऑफ माथा, जो कि उनसे 33 वर्ष छोटे थे, उनसे मिलने गए और उनसे एक नई धार्मिक संस्था खोलने की विनती करने लगे, ताकि उस संस्था के द्वारा उन क्रिश्चियों की मदद की जा सके जो स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका के गुलामी के दलदल में कैद थे। 1198 ईस्वी में संत फेलिक्स और संत जॉन ऑफ माथा संत पिता इनोसेंट तीसरे के पास यही प्रस्ताव लेकर पहुंचे। तब संत पिता ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने ऑर्डर ऑफ द होली ट्रिनिटी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ कैप्टिव्स के नाम से एक संस्था शुरू की। जब संत फेलिक्स रोम से वापस आए तब राजा फिलिप अगस्तस ने इस नई संस्था को चलाने में उनकी मदद की और यह संस्था इतनी तेजी से फैली कि 40 वर्षों में इनके 600 मठ स्थापित हो गए थे। संत फेलिक्स संस्था को स्थापित करने के लिए फ्रांस में ही रहे और इनके सह संस्थापक संत जॉन ऑफ माथा ने स्पेन और बर्बरी में यात्राएं की। संत फेलिक्स आधिकारिक तौर पर कभी संत घोषित नहीं किए गए, लेकिन सन 1666 में संत पिता अलेक्जेंडर सातवें ने उनके पंथों को मान्यता प्रदान की। आइए आज हम भी संत फेलिक्स ऑफ वेलोइस के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी दूसरों की भलाई करने वाला मन दे।